इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा को मार्शल्स के जरिए विधानसभा से जबरन बाहर निकाले जाने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि उनके पास एक लाल डायरी है जिसमें गहलोत सरकार के काले कारनामों का काला चिट्ठा है। उनका दावा है कि ये काला चिट्ठा विधानसभा स्पीकर को देना चाहते थे ताकि निष्पक्ष जांच उनकी कराई जा सके, और इसी की डर की वजह से गहलोत के मंत्रियों ने उनके साथ मारपीट की। आप ये समझिए कि ये काफी गंभीर आरोप हैं और ये खुद ही गहलोत सरकार के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं बल्कि गुड्डा का तो यहाँ तक आरोप है कि उनके पास गहलोत सरकार के काले कारनामे भी हैं, इसीलिए उन्हें सदन के भीतर पीटा गया। पिछले सदन में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ बोलने पर राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था, और अब जब वो लाल डायरी पेश करना चाहते थे तो उनके साथ में मारपीट की गई और मार्शल्स के जरिए बाहर कर दिया गया। आज वो मेरे पर चार लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया, और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था, हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलियों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो दो नंबर में हुआ, दो नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं, और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें।